एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो अगेन मीशो हॉल में आपके साथ शेयर करूंगी। एंड इस मीशो हॉल में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सी मल्टी कलर साड़ियाँ। बहुत ज़्यादा ढूंढा मीशो पे, तब जाके साड़ियाँ सेलेक्ट किए, क्योंकि मुझे मल्टी कलर की जो साड़ियाँ होती है बहुत ब्यूटीफुल लगती है, प्लस लाइट वेट भी हो। एंड ड्रेस है, एक्सेसरीज है। ड्रेस तो वो है जो मैं काफ़ी टाइम से परचेज करने की सोच रही थी, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा था। फाइनली मुझे बहुत कम प्राइस में मिली है। तो आज मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करूंगी। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मीशो एक रीसेलिंग ऐप है, यहाँ से आप घर बैठे पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे, एंड खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से मीशो यूज़ आता है। मीशो पे लिंक्स नहीं होते हैं, कोड्स होते हैं। सभी जो आउटफिट शेयर करूंगी, सभी के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पर फ्लैट 30% या 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हॉल स्टार्ट करते हैं। पर हॉल स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपके साथ एक गिव अवे का अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, जो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या क्या रूल है, कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। तो वीडियो फुल वॉच करना, बिकॉज आपसे एक भी रूल मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आउटफिट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस है। लुक एट दिस ड्रेस। ये मैं इतने टाइम से परचेज करना चाहती थी मीशो से, लेकिन आपको पता है मीशो पे बहुत सारे सेलर्स सेल करते हैं ड्रेस, और सभी की डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होती है। और मैं चाहती थी एक सेलर ड्रेस भी अच्छी आए, जिनकी रेटिंग भी अच्छी हो। दूसरी चीज़ कि थोड़ा मुझे कॉस्टली लग रही थी प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन ये वाली जो ड्रेस मैंने परचेस की है, जिस सेलर से परचेस की है, प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, शायद 640 के आसपास है। उस अकॉर्डिंग ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल लगी मुझे। एंड लुक एट दिस ड्रेस, कितनी ब्यूटीफुल सी ड्रेस है। इस ड्रेस को परचेस करने का मेरा रीज़न ये था मेन, कि मेरे पास ये कलर नहीं है, है भी नहीं, और अभी तक मैंने पहना भी नहीं। बिकॉज क्या होता है ना, बार बार परचेज करने की सोचो तो वो ही कलर सेम रिपीट होते रहते हैं, लेकिन मैंने अब की बार सोच लिया था ये वाला कलर मुझे परचेज करना ही है। तो कुछ इस तरीके की आपको ड्रेस मिल जाएगी। इसमें आपको कलर ऑप्शन मीशो पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करना। ये पूरा जो है ना, इन्होंने थ्रेड का काम किया हुआ है। ये चीज़ मुझे इसकी सबसे ज़्यादा बहुत प्यारी लगी, लाइक बहुत यूनिक सी है एंड बहुत ब्यूटीफुल लगेगी पहनने के बाद। ये जो है, इन्होंने शोल्डर पे स्ट्रैप दिया हुआ है। एंड आप लुक एट दिस, पास से दिखाती हूँ आपको कितना प्यारी सी इन्होंने थ्रेड से काम किया हुआ है। लाइक ये पूरा जो अपर पोर्शन है, आपको पूरा थ्रेड का देखने को मिल जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी बारीकी से इन्होंने काम किया। नीचे का जो ये वन पीस ड्रेस है, नी लेंथ से थोड़ी सी नीचे आएगी आपके, एंड आप देख सकते हैं फ्रिल्स वाली ड्रेस है। पूरे जो है नेट फैब्रिक इन्होंने यूज़ किया है, और अच्छा लगेगा पहनने के बाद, लुक काफ़ी अच्छा आएगा इसका। एंड अंदर की साइड इन्होंने इसमें लाइनिंग वगैरह सब लगवाई हुई है। तो इस तरीके का ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पर्पल कलर में शेड में ये वाली ड्रेस मिलेगी। क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें जो सबसे छोटा साइज स्मॉल साइज था, वो मैंने परचेस किया है। इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेस करना। किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए, अगर आप घूमने जा रहे हो, आउटिंग के लिए जा रहे हो, उस अकॉर्डिंग परफेक्ट है। वैकेशन के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये वाली ड्रेस परचेस की है, जो मुझे इस हॉल में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी। तो नेक्स्ट साड़ी मैंने मीशो से परचेस की है फ्रॉम दी ब्रांड शंग्रीला। एंड इतनी ब्यूटीफुल मल्टी कलर साड़ी है, इसको मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी मुझे। एंड क्वालिटी इतनी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग, कि आप डेफिनेटली अगर इसको बाय करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। खोल के बताती हूँ, जब मैंने इसको पिक्चर में देखा था, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी। एक तो मुझे मल्टी कलर जो साड़ियाँ होती हैं इतनी पसंद आती हैं, और क्योंकि इतना जब आप पहनते हो ना, लुक इतना ब्यूटीफुल आता है उस साड़ी का। एंड किसी भी ब्लाउज के साथ आप कैरी कर लो, डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ बहुत ब्यूटीफुल लुक आएगा। एंड सच में क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा सुपर्ब है। तो डेफिनेटली आप इस साड़ी को जरूर परचेज करना। बिल्कुल पचरंग की साड़ी है, उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगी। तो खोल के बताती हूँ आपको, इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी मिलेगी। ये इसमें आपको सारे कलर देखने को मिल जाएंगे, मल्टी कलर पचरंगी साड़ी है पूरी। ये आपको इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, जो इन्होंने सिल्क में जो साटिन का सा होता है अलग से नहीं दिया हुआ है, मतलब इसी में है, पर कुछ इस तरीके का शाइनिंग वाला देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड। पूरी साड़ी आपको ऐसे सिल्क फैब्रिक में मिलेगी, कोटा सिल्क फैब्रिक है पूरा। एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सारे कलर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। पहनने के बाद लुक बहुत अच्छा आएगा इस साड़ी का। क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इस साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। लुक एट दिस प्राइस, इस तरीके की आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी मिलेगी।
एंड जब मैंने इसको देखा मुझे देखते ही इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी, क्योंकि एक तो बिल्कुल एलिगेंट साड़ी है, दूसरा कि इतनी लाइट वेट है, किसी भी फंक्शन पार्टी किसी भी अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये वाली साड़ी मैंने बाय की है, पूरी 5.5 मीटर की आपको साड़ी मिल जाएगी, प्लस इसमें आपको अटैच ये वाला ब्लाउज मिलेगा ग्रीन कलर का। तो आप इसे किसी और ब्लाउज के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। क्योंकि ये वाली साड़ी है जो नेक्स्ट मैंने मीशो से पिक की है, जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ इस साड़ी के लिए, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। नेक्स्ट साड़ी मैंने पिक की है मीशो से, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। इस तरीके की आपको इसमें ब्लाउज मिल जाएगा, ये पूरा आपको स्टिच्ड ब्लाउज मिलेगा, प्लस ये वाली इसके साथ मल्टी कलर की साड़ी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ, ब्लाउज आप देख लो एक बार, ये पूरा आपको पैडेड ब्लाउज मिलेगा सिल्क फैब्रिक का, जो कलर है इसका बेबी पिंक कलर है। और सबसे अच्छी बात है इस ब्लाउज की, इसमें आपको जो ये मिरर्स लगाए हुए हैं रियल मिरर है, और आप देखो मिरर के बीच में भी इन्होंने बीच बीच में स्टोन लगाए हुए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस तरीके की स्टोन आपको पूरे ब्लाउज में मिल जाएंगे। पैडेड ब्लाउज है, साइज की मैं बात करती हूँ 34 to 38 है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे फिटिंग करा लो तो उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। पूरा पैडेड ब्लाउज मिलेगा, क्वालिटी आप देख सकते हो अच्छी है। बैक साइड दिखा देती हूँ आपको, इस तरीके का बैक में आपको हुक मिल जाएंगे, तो आप इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हो। और बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल सा डीप नेक ब्लाउज है, स्लीव्स आपको इसमें अंदर मिल जाएंगी अटैच, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लगवा सकते हो। तो इस तरीके का मुझे इस साड़ी के साथ का ब्लाउज मिला है। अब आपको मैं साड़ी दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल साटिन की साड़ी है। इसमें आपको कलर ऑप्शन मीशो पे काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करना। मुझे वाइट कलर में जो ये वाला कलर थे वो पिंक कलर या येलो कलर का शेड वो ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि मैंने जो है कलरफुल साड़ी एक वो परचेज कर ली, एक और अभी आपको दिखाऊंगी, तो मैंने इसमें ट्राई किया है ये वाली साड़ी परचेज करने का, और वाइट कलर मेरे पास था भी नहीं, तो इसलिए मैंने ये वाली साड़ी बाय की है। बिल्कुल आपको इस तरीके की साटिन की साड़ी देखने को मिल जाएगी पूरी इस तरीके की, एंड लुक एट दिस, कितनी ब्यूटीफुल है। पूरी 5.5 मीटर की इन्होंने साड़ी दी है, गर्ल्स के अकॉर्डिंग बहुत ही सुंदर साड़ी है। अगर आप वो लेना चाहते हैं इन अफोर्डेबल प्राइस में अपने फेयरवेल के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, उस अकॉर्डिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। एंड इसमें जो इन्होंने, हाँ एक बार आपको बता देती हूँ, ये जो आँचल इन्होंने दिया है इस पर आपको टैसल और मिल जाएंगे, एक मिनट, इस तरीके के इसमें आपको टैसल भी लगाए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे आपको टैसल देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पे येलो, यहाँ पे पिंक टैसल, तो पूरे आंचल पे आपको इस तरीके के बहुत ही ब्यूटीफुल से थ्रेड वाले टैसल मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट मैंने जो साड़ी पिक की है मीशो से वो है ये वाली। तो अब नेक्स्ट आउटफिट दिखाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप गिव अवे के रूल्स क्या है एंड आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो थोड़े से रूल्स हैं जो मैंने चेंज किए हैं, जो मेरे पहले वाले जो गिव अवे अनाउंस किए थे मैंने, उससे थोड़े से डिफरेंट रूल होने वाले हैं। सबसे फर्स्ट थिंग तो ये कि जब मैं गिव अवे अनाउंस करती हूँ तो 4 या 5 विनर जो भी अनाउंस करती हूँ, पार्टिसिपेट बहुत सारे लोग करते हैं, सभी लोग रूल्स भी फॉलो करते हैं, पर मुझे विनर बनाना, विनर्स तो ऑनली मैं 3 या 4 ही अनाउंस कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं अनाउंस करूँगी नहीं। तो मुझे देखना पड़ता है कि रूल सभी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे से कर रहा है या फिर जिन्होंने जो ज़्यादा लोगों को शेयर कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे देखना पड़ता है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं मैं जब विनर्स अनाउंस करती हूँ, दी हमने भी किया था पर हम विनर क्यों नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मैं रैंडम ही विनर चूज करती हूँ, और जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियो डेली देखते हैं, मुझे भी पता होता है, अगर आप मेरी वीडियो डेली देख रहे हो, कॉमेंट कर रहे हो, तो मुझे वो चीज़ पता होती है, क्योंकि मैं सभी के कॉमेंट पढ़ती हूँ और ट्राई करती हूँ सभी को रिप्लाई देने का, तो वो चीज़ मुझे पता होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ रूल्स क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि गिव अवे का प्राइस क्या होने वाला है। तो आप सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे गिव अवे के लिए, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मुझे भी गिव अवे अनाउंस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस बार जो गिव अवे के विनर्स होंगे वो 4 विनर्स होंगे, और पर विनर को मिलेगा 500 रुपीज़ का वाउचर, या तो आप अमेजोन का वाउचर ले लीजिए या फिर आप मिंत्रा का वाउचर ले लीजिए। और अगर आप इन दोनों में से कोई वाउचर नहीं लेना चाहते तो आप 500 रुपीज़ तक की शॉपिंग कर सकते हैं मीशो पे। तो तीनों में से ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करते हैं। तो ये हो गए गिफ्ट्स, एंड 4 विनर मैं अनाउंस करूंगी, और जो विनर्स होंगे वो गिव अवे से 20 मतलब आज से और 20 डेज बाद मैं अनाउंस करूंगी, मतलब मंथ के लास्ट में जो है गिव अवे का रिजल्ट आएगा। तो जब तक आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप फटाफट से शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और पार्टिसिपेट कीजिए। तो फर्स्ट रूल जो होने वाला है वो है, इस वीडियो को आपको फुल वॉच करना है, क्योंकि अगर आप
फुल वॉच नहीं करते मुझे पता चल जाता है, और आप गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक आप मेरी वीडियो फुल वॉच नहीं करते हैं। सेकेंड रूल है, कॉमन रूल है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकन। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ ऑप्शनल नहीं है, आपको पार्टिसिपेट अगर करना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, बिकॉज मुझे भी गिव अवे आपके साथ शेयर करना बहुत पसंद आता है, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे जैसे जैसे मैं गिव अवे आपके लिए लाती रहूँगी। जो अब थर्ड रूल है वो होने वाला है कि आपको एटलीस्ट मेरे चैनल पे 5 लोगों को इनवाइट करना है, यानी कि इस वीडियो को शेयर करना है, मेरे चैनल को शेयर करना है एटलीस्ट 5 पर्सन के साथ, उनसे भी मेरे वीडियो को लाइक करवाना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना है विद बेल आइकन। एंड गाइस, मुझे पता कैसे चलेगा, तो उनको मेरी वीडियो पे आके कमेंट करना है कि वो किसके थ्रू मेरे चैनल पे आए हैं। एंड ये सब चीज़ डन हो जाने के बाद आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करना है, एंड वहाँ पे मुझे इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट शेयर करना है कि आपने मुझे 5 लोगों को इनवाइट किया है। जब आप सारे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे मुझे, तभी आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बिकॉज लास्ट टाइम क्या हुआ था कि शायद मैंने ये चीज़ बोली भी थी कि मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना है, बट काफ़ी लोगों ने नहीं किया था, फिर बाद में कमेंट आए थे। क्योंकि इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे भी पता होना चाहिए कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है कि आपने कर दिया है। तो आप मिनिमम, आपको 5 लोगों को इनवाइट करना है, मैक्सिमम तो आप कितने भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरे 20 डेज है। तो आप जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को इन्वाइट कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों को आप इन्वाइट करेंगे आपके चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। जो फिफ्थ रूल है वो ये है, आपको मीशो डाउनलोड करना है मेरे दिए हुए लिंक से। अगर आपने ऑलरेडी मेरे दिए हुए लिंक से मीशो डाउनलोड कर रखा है तो कोई बात नहीं है, नहीं कर रखा है तो आपको करना है मेरे दिए हुए लिंक से। मैं ये नहीं बोल रही आपको शॉपिंग करनी है, कुछ परचेस करना है, ओनली मेरे लिंक से मीशो डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लास्ट रूल है वो ये है, मुझे कैसे पता चले आप मेरे जनरल सब्सक्राइबर हो, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तभी मुझे पता चलता है, और मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो जितनी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उन सभी को लाइक करो और सब पे कमेंट करो, जिससे मुझे पता चले आप मेरी वीडियो देखते हो, सच में देखते हो, एंड आप कमेंट भी करते हो। तो ये जो है 6 रूल है, इस गिव अवे के 6 रूल है जो आपको फॉलो करने हैं, बिल्कुल सिंपल रूल है, कॉमन रूल्स हैं। एंड अगर गिव अवे के जो विनर्स हैं मैं आफ्टर 20 डेज अनाउंस कर दूंगी, आपके पास बहुत सारा टाइम है। अब साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड शैंडलिया, एंड शैंडलिया से मैंने ना पिक की है 2 साड़ी इस बार, और मुझे इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा सुपर्ब लगी ना, और इनके डिज़ाइन भी एक से बढ़ के एक है। तो ये वाला कुछ लहरिया पैटर्न में मैंने इसमें परचेज़ किया है, ये मैं इतने टाइम से परचेज करने की सोच रही थी मीशो से, लेकिन जैसे ही परचेज करने जाती हूँ आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो फाइनली मुझे ये वाली साड़ी मिल गई है, एक दो बार मैंने बुक भी कराई थी, आई नहीं। तो कुछ इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी मिल जाएगी। पहले आप इसका कलर देखो कितना ब्यूटीफुल है, ये आपको ग्रीन, स्काई ब्लू, टील, नेवी ब्लू, सब कलर के कॉम्बिनेशन में टील कलर, मतलब इतनी ब्यूटीफुल लहरिए की साड़ी है इन अफोर्डेबल प्राइस में। अगर मैं क्वालिटी की बात करती हूँ बहुत अच्छी है, जो इसका फैब्रिक है कोटा सिल्क फैब्रिक है, नीचे आपको इस तरीके का शाइनी बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, पूरी 5.5 मीटर की आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी कलरफुल सी साड़ी मिलेगी। इनके कलर हैं जो ब्रांड के बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर है, मतलब ऐसा नहीं है पिक में कुछ और दिखा रखा है या फिर आपको कुछ और मिला है, सेम आपको एज इट इज़ वो चीज़ मिलेगी। जब आप परचेज करोगे तो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी लगेगी, डेफिनेटली प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। तो ये वाली थी जो नेक्स्ट साड़ी मैंने यहाँ से पिक की है इस ब्रांड की। एंड ये आपको इसका ब्लाउज देखने को मिल जाएगा जो इसमें अटैच आएगा 80 या 90 सेंटीमीटर का, पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है, 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज है, और अब तो समर्स स्टार्ट हो रही है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी साड़ी है, लाइट वेट भी है, एंड पहनने के बाद इनका लुक बहुत अच्छा आता है, पूरी गर्लिश साड़ी भी है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ब्यूटीफुल लगी। तो नेक्स्ट साड़ी जो है मैंने ये वाली पिक की है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी मुझे, है ना, कितनी ज़्यादा सुंदर। तो ये थी नेक्स्ट साड़ी जो मैंने मीशो से पिक की है। अब जो लास्ट आइटम मैंने मीशो से पिक किया है वो है ये वॉच, और वैसे तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ ब्रांड में ही जाने का वॉच में, लेकिन ये वाली वॉच मुझे मीशो पे अच्छी लग रही थी प्राइस के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट टाइम ही मैं भी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं
बिना ब्रांड्स की वॉच नहीं पहनती हूँ, ब्रांड्स में ही जाती हूँ, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी और जब मुझे मिली है तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है। तो अगर आप चाहते हैं और फिर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स वगैरह होती हैं तो उनके लिए आप एक ही वॉच पहन पहन के बोर हो जाओगे, एक ही ब्रांड की वॉच खरीदोगे तो वो इतनी कॉस्टली भी आती है और पहन पहन के उसको बोर हो जाओगे। तो ये मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में परचेज की है विथ कॉम्बो सेट। इसमें आपको ब्रेसलेट मिल जाएगा, मे बी शायद है ना ये आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है ये ब्रेसलेट वाला कॉम्बो, तो अगर अलग अलग मिल गई तो अलग अलग के कोड दे दूंगी मैं आपको, अगर साथ में मिल गए तो साथ वाले कोड दे दूंगी मैं आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जाके चेकआउट कर लेना। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रॉपर कलर की वॉच है, लुक एट दिस प्राइस, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ब्यूटीफुल है एंड बहुत सुंदर है। मुझे पहनने पे बहुत अच्छी लगी, एथनिक ड्रेस के साथ, वेस्टर्न ड्रेस हो किसी के साथ भी बहुत अच्छे से जाएगी। कलर ऑप्शन आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, गोल्डन सिल्वर, मुझे कॉपर कलर ज़्यादा पसंद आता है या फिर ब्लैक कलर, ब्लैक कलर की ऑलरेडी काफ़ी सारी वॉच है मेरे पास तो मैंने ये कॉपर कलर अब की बार पिक किया है। एंड ये आपको इस तरीके की चैन देखने को मिल जाएगी, थोड़ी ब्रॉड है ये वाली वॉच एंड यहाँ पे आपको ये डायल मिलेगा, ये स्क्वायर शेप में मिल जाएगा आपको और आप अपने अकॉर्डिंग फिटिंग वगैरह करा सकते हो जैसे भी कराना चाहो। क्वालिटी बहुत अच्छी है, लुक एट दिस, इस तरीके की आपको ये वाली वॉच मिलेगी इस तरीके की। तो मुझे ये वाली बहुत अच्छी लग रही थी ये वॉच और प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है, लाइक कोई भी नहीं कह सकता इतनी ज़्यादा कम प्राइस में है। और इसके साथ ये वाला ब्रेसलेट भी मिला है, ये कॉम्बो में था उस टाइम और अब मैंने शायद चेकआउट किया था, ये शायद आउट ऑफ स्टॉक है, बाकी अलग अलग मिल जाएंगे आपको। तो ये इस तरीके का आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉपर कलर का ब्रेसलेट मिल जाएगा, ये पूरा जो है स्टोन वाला ब्रेसलेट है इस तरीके का, आपको हाथ में पहन के बताती हूँ, लुक एट दिस, अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरीके का आपको ये ब्रेसलेट मिल जाएगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाईली रिकमेंड करती हूँ, इस चीज़ को भी परचेज कर सकते हैं इन अफोर्डेबल प्राइस में, डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी है, जॉब करते हैं कॉलेज जाते हैं उस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो नेक्स्ट आइटम मैंने जो मीशो से पिक किया है वो है ये। तो गाइज आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड के साथ, गिव अवे जो अनाउंस किया है उसके सारे रूल्स फॉलो कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।